बहुत रिजिड, मतलब पूरा कल्चरल हेरिटेज है यहाँ का लद्दाख का। यहाँ दिख रहा होगा आपको, सेंट्रल लद्दाख की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री थिक्से। करीब 3600 मीटर की हाइट पर लेह सिटी से 19 किलोमीटर की दूरी पर है और ल्हासा में पटोला पैलेस से रिजेम्बलेंस होने की वजह से इसको मिनी पटोला भी कहा जाता है। ये मॉनेस्ट्री तिब्बतन बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए आइए मिलकर मॉनेस्ट्री का टूर करते हैं। यहाँ पर लामास के रुकने की जगह भी है जो यहाँ पर ध्यान लगाते हैं, सीखते हैं, इसलिए इसको थिक्से गोम्पा भी कहा जाता है। उसके अलावा जो मेन मॉनेस्ट्री है वो करीबन 12 मंजिल ऊंची बिल्डिंग के बराबर है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। स्टॉक कांगड़ी लेह में ट्रैकर्स का एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। जो आप सामने बर्फ वाली पीक्स देख रहे हैं उन्हीं रेंजेस के बीच में स्टॉक पीक भी है जो करीबन 6000 मीटर से ऊपर की पीक है। मुझे डेट का तो ठीक से पता नहीं, लेकिन 16वीं शताब्दी के मध्य में इस खूबसूरत जगह थिक्से को, जो कि इंडस वैली का पार्ट है, को चुना गया थिक्से मॉनेस्ट्री के लिए।
वक्त के साथ साथ इस मॉनेस्ट्री के ढांचे में भी काफ़ी बदलाव हुए, काफ़ी बार इसमें मरम्मत के काम हुए और कुछ चेंजेस भी हुए। अभी कुछ सालों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी काफ़ी रोल रहा है इसको मेंटेन करने में। कुल मिलाकर अपने कुछ बदले हुए रूप के साथ ये मॉनेस्ट्री बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और हर टूरिस्ट का जो भी लेह और लद्दाख आए उसके लिए ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं इस मॉनेस्ट्री के रक्षकों से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मॉनेस्ट्री है ये इंडस वैली के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सबसे ऊंचा स्थान है जहां ये बनी है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि ये एक फोर्ट मॉनेस्ट्री है। Thank you.
तो दोस्तों कुल मिलाकर सब कुछ एक साथ समेटना तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैंने कोशिश की कि कुछ ज़रूरी जानकारी दे पाऊँ। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप जब भी इस मॉनेस्ट्री में आएँ, कोशिश करें कि सुबह 6 बजे पहुँचें, क्योंकि 6 बजे यहाँ पर एक बहुत ट्रेडिशनल आरती होती है, गैदरिंग होती है, और उस टाइम सत्तू बांटा जाता है, एक खास तरह की चाय दी जाती है, और आप उन सभी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। मैं इतना फॉर्चुनेट नहीं था कि उस टाइम पर आ पाता। चलिए, कभी अगली बार आऊँगा तो मैं सुबह 6 बजे आने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि आपने ठीक से मॉनेस्ट्री का ये टूर एंजॉय किया होगा। मेरे साथ बने रहिए अगले वीडियो के लिए।